बतौर प्रोड्यूसर आप अपनी भोजपुरी फिल्म आ रही होगी प्यार की जीत, प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में कर सकता है, पैसे लगा सकता है, इसी कहानी पे पैसे क्यों लगाए? ये बात आपने सच कहा कि प्रोड्यूसर बहुत सारी कहानी पे फिल्म कर सकता है और लगा सकता है पैसा। चूँकि ये सब्जेक्ट जब मुझे बंटी ने सुनाई, उनके फादर जो हैं इसके राइटर हैं, उन्होंने स्क्रीन पे लिखा है, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत एक्साइटेड लगा और अच्छी लगी और मुझे लगा कि भोजपुरी में शायद ऐसी फिल्में हमको बनानी चाहिए। और इससे पहले भी मैंने जो फिल्में की है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके की सब्जेक्ट होगी तभी हम फिल्म करेंगे, अदरवाइज फिल्म सिर्फ बनाने के लिए बनाए तो मज़ा नहीं आता है। जब तक आपको खुद एक्साइटेड नहीं करे वो सब्जेक्ट, जब आपको खुद नहीं पसंद आए तो उस पर करने का कोई मज़ा नहीं आता है। तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टोरी मुझे लगी, इसलिए मैंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। खेसारी लाल और सुजी ये लीड है, जोड़ी है इस फिल्म, क्या कहते हैं आप, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? बहुत अच्छा रहा, दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें। खेसारी चूँकि मेरे छोटे भाई की तरह हैं और स्वीटी जी से बहुत अच्छा केमिस्ट्री उनकी रही इस फिल्म में। स्वीटी जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, सीनियर एक्ट्रेस हैं। खेसारी ने भी बहुत अच्छा काम, इनफैक्ट इस फिल्म के सारे कैरेक्टर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जिसने भी काम किया है वो सारे लोगों ने दिल से काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी बाहर के लोगों से काम कर रहे हैं, हमें हमेशा ये लगता था कि एक फैमिली है, एक परिवार है और ये टीम है और ये टीम वर्क ही होता है, ये पूरे टीम की जीत है। होगी प्यार की जीत एक टीम की जीत है और इसलिए फिल्म अच्छी बनी। आप बंटी जो है वो बतौर डायरेक्टर इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं जी, क्या कभी कोई शंका हुई या फिर लगा कि पहली बार बंदा फिल्म कर रहा है तो उसपे पैसे लगाने ठीक होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बंटी ने मुझे सब्जेक्ट सुनाई तो जो उसका नरेशन का स्टाइल था और तरीका था, ये बात कहना गलत ना होगा, क्योंकि मैंने उस वक्त उसको कहा था, क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों से बहुत रिलेटेड रहा हूँ और मैं काफ़ी लोगों से मिलता जुलता हूँ, सब्जेक्ट सुनता हूँ, तो मैंने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि जैसे राज जी फिल्म का सब्जेक्ट सुनाते हैं, मुझे ठीक उसी तरह तुमने फिल्म सुनाई है और तुम्हारा जो नरेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी फिल्म दिखी, मुझे पूरी फिल्म नज़र आई, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म उसी तरह से बनाएंगे। और जब मैंने फिल्म देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो सोचा था उससे बढ़ के इन्होंने फिल्म बनाई और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बंटी इश्तियाक शेख बहुत अच्छे और बड़े डायरेक्टर बनेंगे और अच्छे टेक्नीशियन हैं। आपने फिल्म में गाना भी गाया है, ये आप छुपे रुस्तम को जी कुछ गाके सुनाना चाहेंगे, क्या गाया है आपने? उसका हालांकि दूसरा वर्जन भी है उदित जी की आवाज में, लेकिन आप वाला सुनाइए जरा। नहीं, इसमें एक किस्सा सा है, क्योंकि हम क्योंकि मैंने कहा कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं माइक पे खड़ा हो गया, हमारे पीआरओ जो है भूषण जी हैं, उन्होंने ये क्लिप को पेपर में डाल दिया। अब म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पीछे पड़ गए कि भाई साहब अभी पेपर में आ गया तो आपको गाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने उस फिल्म के गाने को गाया है। और ये फिल्म में उदित जी के ऊपर, उदित जी ने गाया है इस फिल्म को, फिल्म में गाना, लेकिन एक वर्जन मेरे ऊपर भी है, वो आपको MP3 में मिल जाएगा। उसको गा के नहीं सुनाना चाहते क्योंकि आवाज इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बस ऐसी गा। चलिए, होगी प्यार की जीत रिलीज होने को है, चंद दिन बाकी है, ऑडियंस से क्या कहते हैं? मैं ऑडियंस से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप 9 सितंबर को फिल्म जो है अपने नज़दीकी थिएटर में जाके देखें और थिएटर में ही देखें, क्योंकि ये फिल्म के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप फिल्म को थिएटर में जाके देखें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना ऊर्जा लोग लगाते हैं और आप किसी छोटे से स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका वो मज़ा नहीं आता है जिस तरह से मज़ा थिएटर में आता है। तो आप प्लीज़ इस फिल्म को एंजॉय करिए थिएटर में जाके, और ये फिल्म में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो आज के यंग जनरेशन को चाहिए, एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट से भरपूर है, एक्शन है, रोमांस है, हर चीज़ है जो आज के ऑडियंस को चाहिए। तो आप प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। थैंक यू, थैंक यू सो मच।